हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और उम्मीद करता हूँ एक्सपोजर ट्रायंगल के मेरे तीनों वीडियोज आपने देखे होंगे, जिसमें हमने पहले एपिसोड में डिस्कस किया था शटर स्पीड के बारे में, दूसरे एपिसोड में डिस्कस किया था अपर्चर के बारे में और तीसरे एपिसोड में डिस्कस किया था हमने ISO के बारे में। तो ये जो आज का वीडियो है, ये वीडियो है इन तीनों का कॉम्बिनेशन, मतलब कि अगर आप मैनुअल मोड पे हैं जहाँ पर आप इन तीनों को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप कौन सी चीज़ किस टाइम पे कंट्रोल करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। दोस्तों, जब भी हम मैनुअल मोड सेलेक्ट करते हैं अपने कैमरा में, तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है शटर स्पीड का, फिर आता है अपर्चर का और उसके बाद आता है ISO का। और हमेशा हमारे सामने ये एक चैलेंज होता है कि किस तरीके से हम इन तीनों एलिमेंट्स को यूज करें जिससे कि हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमको मिल सके। अब अगर मैं बात करूं कि हमारे जो भी लाइफ डे टू डे लाइफ में हमारे पास शूट आते हैं, लेट्स से इट्स अ पोर्ट्रेट, इट्स अ लैंडस्केप, अ मैक्रो, स्पोर्ट्स, अगर मैं मैनुअल मोड की बात करूं तो यहां पर सबसे पहले आपको उस सीन को खुद समझना होगा, आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि आपके इस सीन की रिक्वायरमेंट क्या है। लेट्स से एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफ, तो हम हमेशा जब भी स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो वहां पर हमें ऑटोमेटिकली इस चीज का आइडिया हो जाना चाहिए कि हमें यहाँ पे हाई शटर स्पीड चाहिए। वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर भी हमें हाई शटर स्पीड चाहिए। पोर्ट्रेट शॉट, पॉसिबली हाई शटर स्पीड की जरूरत नहीं है, लेकिन डेप्थ ऑफ फील्ड, इस चीज पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैक्रो शॉट, पॉसिबली ऐसा शॉट जहाँ पे थोड़ा सा हाई स्पीड भी चाहिए और थोड़ी सी डेप्थ ऑफ फील्ड भी चाहिए। या फिर नाइटस्केप फोटोग्राफ, कोई ऐसा फोटोग्राफ जिसमें आप स्टार की फोटोग्राफी कर रहे हो, मिल्की वे की फोटोग्राफी कर रहे हो, तो यहाँ पर शटर स्पीड बहुत ज़्यादा मायने नहीं करती, लेकिन आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा मायने करती है। सबसे ज़्यादा मायने करता है कि उस सीन में कितनी लाइट आपको मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड में इस चीज़ का आइडिया लगाना पड़ेगा कि जो आपका सीन है, जो आपको क्लिक करना है, उस सीन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो जब भी मैं मैनुअल मोड को सिलेक्ट करता हूं, तो सबसे पहले मैं एक टेबल का रेफरेंस लेता हूं, ये टेबल मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। इस टेबल में हम दो कॉलम्स बनाते हैं, पहला है फिक्स और दूसरा है मोशन। जब आप फिक्स की बात करते हो तो उसमें ऐसी चीजें आती हैं जो अपनी जगह से नहीं हिलने वाली हैं, या एटलीस्ट आपके कंट्रोल से हिलने वाली हैं, जितना आप बोलोगे उतना ही हिल सकती हैं। जैसे पोर्ट्रेट फोटोग्राफ, माना कि आप किसी ह्यूमन एलिमेंट का पोर्ट्रेट शॉट ले रहे हो जो मूव कर सकता है, लेकिन वो क्योंकि आपके कंट्रोल में है, आपके जैसा आप चाहोगे उतना ही मूवमेंट हो सकती है, तो हम इसे फिक्स में रख देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ किड्स फोटोग्राफ, बच्चों की अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो फिर उसे आपको फिक्स में नहीं रखना पड़ेगा, हालांकि वो भी पोर्ट्रेट ही है, लेकिन वो आपको रखने पड़ेंगे मोशन में, बिकॉज बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं आते, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आपको समय उसे मोशन में रखना पड़ेगा क्योंकि वो दौड़ते भागते रहते हैं, आपको वैसे ही शॉट लेने पड़ते हैं। इसके बाद बारी आती है आपके प्रोडक्ट शूट की। जब भी आप प्रोडक्ट शूट की बात करते हो तो आपका प्रोडक्ट फिक्स चीज है, वो मोशन में नहीं है, वो मूवमेंट में नहीं है, तो आपको उसे फिक्स में रखना है। उसके बाद आती है वाइल्ड लाइफ की बारी। वाइल्ड लाइफ का जो भी आपके एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स या फिर आप बर्डिंग करते हो, तो वो सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है और उनमें मोशन है, तो आपको उसे मोशन वाली टेबल में, मोशन वाली जगह पर रखना पड़ेगा। इसी तरीके से आप लिस्ट बनाते चले जाइए, स्पोर्ट्स को आप मोशन में डालेंगे, अगर आप बोलते हो कोई स्टेशनरी चीज है, लेट से मैक्रो, आप उसे फिक्स की तरफ को रख सकते हो, हालांकि मैक्रो थोड़ा सा डाइसी हो जाता है, ये फिक्स और मोशन दोनों तरफ को आता है। तो इसी तरीके से आप इस टेबल का रेफरेंस ले सकते हैं जिसमें जितनी भी एलिमेंट्स हैं, आप अपने ऐसे चीजें जिनका आप शूट करते हो अपने डे टू डे लाइफ में, उन सारी चीजों को इस टेबल में रखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो फिक्स चीजें हैं, उन फिक्स चीजों के लिए काम करता है अपर्चर, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी अपर्चर की जाएगी। जो मोशन वाली चीजें हैं उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी शटर स्पीड की। तो यहां पर ये दोनों एलिमेंट आपके बुक हो जाते हैं, अगर आप फिक्स की बात कर रहे हो अपर्चर, और अगर मोशन की बात कर रहे हो तो शटर स्पीड, ये आपने बुक कर लिया फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए। अब बारी आती है कि कैसे हमको सेकेंड और थर्ड एलिमेंट ऐड करने हैं। तो फर्स्ट, पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं फिक्स एलिमेंट के लिए। लेट से आप एक पोर्ट्रेट शॉट ले रहे हो, पोर्ट्रेट शॉट के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें या तो बैकग्राउंड में बोके चाहिए, मतलब ब्लर इफेक्ट चाहिए, या फिर हमको बैकग्राउंड में कंप्लीट डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए। तो जब आप ये बोलते हो कि मेरे को बैकग्राउंड से रिलेटेड काम है, मतलब ऐसा कि फोकस डिस्टेंस पे आप काम कर रहे हो, या तो बहुत कम रहेगी या बहुत ज्यादा रहेगी, तो
ये पूरी चीजें हैं फोकस से रिलेटेड। फोकस से रिलेटेड चीजों के लिए हम इसे लेके आ रहे हैं अपर्चर वाले लिस्ट में। तो हमें सबसे पहले काम करना है अपर्चर पे, उसके बाद से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए। सेकंड एलिमेंट हम यहां पर रखते हैं शटर स्पीड को। शटर स्पीड को सेकंड एलिमेंट इसलिए रखा हुआ है बिकॉज जो आईएसओ है इसका काम है सिर्फ और सिर्फ लाइट देना। ये आपकी इमेज को या तो ब्राइट कर सकता है या थोड़ा सा डार्क कर सकता है, इससे ज्यादा इसका और कोई काम नहीं है। तो हम इसे हमेशा थर्ड प्रायोरिटी पर रखते हैं। अब हमने यहां पे शटर स्पीड को सेकंड प्रायोरिटी पर रखा। आप अपने सीन के हिसाब से डिसाइड करते हो कि कितना आपको शटर स्पीड रखनी है, जिससे कि आपकी जो अपर्चर सेट करने के बाद जितनी लाइट का कंट्रोल आपको चाहिए क्या उतनी लाइट मिल रही है। अगर मिल रही है तो आपका आईएसओ 100 या मिनिमम रहेगा, लेकिन अगर नहीं मिल रही है, लाइट कम हो गई, तो आपका जो आईएसओ है उसको आप थोड़ा सा बूस्ट करके अपने सीन को प्रॉपर करेंगे। तो ऐसी चीजों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई अपर्चर, सेकंड प्रायोरिटी हो गई शटर, और थर्ड प्रायोरिटी हो गई आईएसओ। आ जाते हैं मोशन की तरफ को। मोशन में हम बात कर लेते हैं, लेट्स से आप एक स्पोर्ट्स इवेंट शूट कर रहे हो जहां पर जो मैराथन है या इस टाइप की चीजें हैं, जो रनर हैं आपको उनका शॉट लेना है, ऐसे में आपके फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाती है शटर स्पीड। शटर स्पीड का सिंपल सा मतलब हो गया कि जो भी आपका रनर है अगर वो रन कर रहे हैं तो आपको उनको फ्रीज करना है। वो शॉट ऐसा होना चाहिए जिसमें फ्रीजिंग एलिमेंट हो। तो आपकी सबसे पहली जरूरत आ जाती है शटर स्पीड की। सेकेंड प्रायोरिटी पर हम डालते हैं अपर्चर को। अपर्चर, एक बार आपने शटर स्पीड डिसाइड कर ली कि इतने शटर स्पीड पे ये चीजें फ्रीज हो जाएंगी, उसके बाद से आप अपर्चर डिसाइड करते हो कि कितनी लाइट है, उस लाइट के हिसाब से आप अपर्चर को या तो कम करते हो या ज्यादा करते हो, मतलब आपने वो ओपनिंग को कम या ज्यादा करना है। जब दोनों चीजें डिसाइड हो जाती हैं उसके बाद तीसरे एलिमेंट पे आप आते हो जिसमें हम आईएसओ पे बात कर रहे हैं। तो आईएसओ को फिर आप उसी हिसाब से एडजस्ट करते हो। अगर आपको लगता है कि सीन में ब्राइटनेस चाहिए तो आईएसओ को बूस्ट किया जा सकता है, नहीं तो आईएसओ को मिनिमम पर रखा जा सकता है। आईएसओ के लिए जनरली सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका ये मानना होता है कि आईएसओ को मिनिमम रखना जरूरी है। अगर आप मिनिमम आईएसओ पे काम कर रहे हो तो आपको जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे आपका आईएसओ बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी नॉइज बढ़ती जाती है और आपकी जो क्वालिटी है वो कम होती चली जाती है। तो इसी तरीके से आप अपने मैनुअल मोड के टाइम पे इस टेबल को रिफर करिए और अलग अलग सीन को अलग अलग कॉलम में डालने के बाद फाइनली उस हिसाब से अपनी जो प्रेफरेंस है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे कौन सा आना चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस पे कौन सा आना चाहिए और थर्ड प्रेफरेंस पे कौन सा आना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि जो हमने तीनों एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था उन तीनों एलिमेंट को यहां पर फाइनली एक साथ रख के किस तरीके से हम अपने लिए शॉट ले सकते हैं वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने थॉट्स मुझे कमेंट में लिखिए, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि उससे आपको पता चलेगा मैंने नया क्या अपलोड किया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।